हमारे साथ मौजूद है पोरबंदर से बीजेपी विधायक और यहां से पार्टी के उम्मीदवार बाबूभाई बखीरिया। इनसे बात करते हैं बाबू भाई, यहां से जो है अब तक किसी भी विधायक ने कभी हैट्रिक नहीं बनाई या कोई पार्टी लगातार तीन बार चुनकर नहीं आई, आपको लगता है कि आप इतिहास बनाने वाले हैं तीसरी बार चुनकर? हाँ, यहाँ हम तीसरी बार भी जीतेंगे और हैट्रिक भी लगाएंगे। ऐसे तो आप देखोगे ना तो 1960 में जो गुजरात राज्य बना तब से अभी तक जो भी विधायक चुटनी लड़े हैं वो दो बार ही चूटे हैं। मैं आज तक में चार बार में इलेक्टेड हुआ हूं और वो लोगों का जो मेरे प्रति प्रेम है वही प्रेम मुझे मिलता रहेगा। आपके जो प्रतिद्वंदी हैं कांग्रेस के अर्जुन मोढवाड़िया जी, उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। एक उनका आरोप यह है कि चुनाव में जो है बीजेपी की तरफ से ट्रक भर भर के शराब बांटी जा रही है, ना केवल पोरबंदर में बल्कि दूसरे ठिकानों पर भी। इस आरोप के बारे में क्या कहेंगे? यह आपको कहीं ट्रक दिखाई दी? अभी तक तो हमने ढूंढा नहीं। हाँ, तो आप ढूंढो, आपको मालूम हो जाएगा। उसका काम एक ही है, हमारे जो प्रत्याशी है वो कांग्रेस का, उसके पास आक्षेप करके बिना कुछ है ही नहीं। उसके पास विजन भी नहीं है। वो 2002 से 2012 तक विधायक थे, वो नहीं बताते थे कि मैंने ये समय में ये काम किया था, सिटी में ये काम किया था, ग्रामीण विस्तार में किया था, वो बताना ही नहीं, बताते ही नहीं, क्योंकि उसके पास कोई काम उसने किया ही नहीं है। मैं आपको बताऊं, आपको जब भी समय मिले तब उसका जो जन्मस्थल है मोढवाड़ा गांव, जहां उसको जो कुल वोट जो मिलता है उसमें से 90% वोट उसको मिलता है, वहां आप जाकर पूछो ये आपके गांव के जो शमशान है वो किसने बनाया है, कौन सी ग्रांट में से बना है। वो 2002 से 2012 तक वो एक शमशान भी अपने गांव में जहां 90% वोट मिलता है वहां नहीं बना पाया है। आप वहां जाकर देखोगे तो 2013 में धारासभ्य की मैं जब चुना गया था तो मेरी ग्रांट धारासभ्य की ग्रांट में से वहां शमशान बना है। इस चुनाव क्षेत्र में बड़े पैमाने पर मछुआरे भी हैं, चूंकि ये कोस्टल सिटी है। एक आरोप उनकी ओर से लगाया गया ये भी है कि यहां से जो मछुआरों की नौकाएं पाकिस्तानी एजेंसीज पकड़ लेती हैं, अगर कोई गलती से बॉर्डर क्रॉस कर जाता है, समुद्री सीमा लांघ जाता है, तो अब तक सैकड़ों ऐसी बोट्स पकड़ी गई हैं, लेकिन बीजेपी सरकार की ओर से उनकी कोई मदद नहीं की जा रही। नहीं, उसका भी मैं बताऊं, जब अटल जी वड़ाप्रधान थे और यहां शरीफ जब आए थे आगरा में, वहां उसकी जो मीटिंग हुई थी ना, वो टाइम में अटल जी ने पूरी बोट, एक भी बोट वहां नहीं रही थी, सब बोट आ गई थी। 2004 में कांग्रेस की सरकार जब सेंट्रल में से आई तब से उसने स्वीकार कर लिया कि ये बोट जो हमारे जो मछुआरे हैं वो गैर कायदे से वहां आता है। उसके बाद ये कोई बोट नहीं आई है। फिर भी जब नरेंद्र भाई वड़ाप्रधान बने तब भी थोड़ी सी बोट वहां से हम ले आए थे, लेकिन उसके समय से ये बोट नहीं आ रही है। आप 98 के बाद देखो, एक भी बोट वहां, एक भी बोट वहां नहीं थे, सब बोट ले आए थे। एक और सवाल, इस बार चुनावी मैदान में आम आदमी पार्टी भी है, कांग्रेस का यह आरोप है कि ये तो आपकी तरफ से इनको यहां पर लाया गया है एक वोट कटवा पार्टी की तरफ से, ताकि जो है आपके विरोध के वोट है वो बढ़ जाए और आप वापस से एक बार चुन लो। पिछली बार आप सिर्फ 1800 मतों के अंतर से जीते थे। अभी जो आप में जो प्रत्याशी कर रहा है जीवन भाई जुंगी, वो तो उसका भी उसका ही वो कार्यकर है, वो कॉरपोरेट है कांग्रेस का, तो मैं कैसे उसको वहां रखूं? उसने रखा है, मेरा कॉरपोरेटर रहे तो मैं वो रखवा सकता हूं, जो कांग्रेस का कॉरपोरेटर रहे उसको मैं कैसे वहां उसका प्रत्याशी करवा सकता हूं। धन्यवाद बाबू भाई। कैमरामैन सचिन शिंदे के साथ जितेंद्र दीक्षित, एबीपी न्यूज पोरबंदर।